ओके जी, सो आज हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डिस्कस करने हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या प्रॉपर्टीज इनकी नहीं होती, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, एक्चुअली हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को जानते हैं, हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देख चुके हैं हम ऑलरेडी। वो कौन से सर्किट थे, जिस तरह आपको याद होगा हमने एक जजेस वाली एग्जांपल की थी, जिसमें हमने कहा था फोर जजेस होंगे, उनमें से अगर किसी दो या दो से ज्यादा, या तीन जजेस होंगे, दो या दो से ज्यादा लोगों को परफॉर्मेंस पसंद आती है तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। फिर हमने उसमें एड ऑन किया था, जब तक वो ग्रीन लाइट तक था तब तक वो कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं था, लेकिन जब हमने उसमें ग्रीन लाइट ऐड की, हमने कहा कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों को, जजेस को कोई परफॉर्मेंस पसंद आए तो ग्रीन लाइट ऑन हो, अगर दो या दो से ज्यादा जजेस को परफॉर्मेंस पसंद ना आए तो रेड लाइट ऑन हो। तो जब हमने रेड लाइट ऐड कर दी तो देन इट बिकम्स अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कैसे बन गया वो, क्योंकि उसकी इनपुट्स, मोर देन वन इनपुट्स तो होती ही है कॉम्बिनेशनल सर्किट की, उसकी आउटपुट भी मोर देन वन होती है। ये देखें, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन हैव एन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड एम नंबर ऑफ आउटपुट, यानी इनपुट तो मोर देन वन होती ही है, आउटपुट भी मोर देन वन होती। तो अगर वन होगी आउटपुट तो फिर हम उसे कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा आउटपुट्स होंगी तो हम उसे कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। उसके अलावा अ कॉम्बिनेशनल सर्किट डज नॉट यूज एनी मेमोरी, तो इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, इसकी कोई प्रीवियस स्टेट नहीं होती, इट डज नॉट हैव एनी प्रेजेंट स्टेट, तो इसकी कोई प्रेजेंट स्टेट, प्रीवियस स्टेट या इसकी कोई मेमोरी नहीं होती कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे सर्किट होते होंगे जिनकी मेमोरी भी होती होगी, प्रीवियस स्टेट भी होती होगी, प्रेजेंट स्टेट भी होती होगी, और उनका इफेक्ट भी होता होगा आउटपुट के ऊपर। हाँ जी, होते हैं ऐसे सर्किट, उनको हम सिक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। सेकेंडली, यानी कॉम्बिनेशन सर्किट जो है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी टाइम के किसी भी टाइम के इवेंट के ऊपर डिपेंड्स ओनली ऑन द लेवल प्रेजेंट एट द इनपुट टर्मिनल। तो जो उसको इनपुट दी जाती है वो सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली ही आउटपुट देता है, चाहे वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो यानी कॉम्बिनेशन सर्किट में जो हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आउटपुट आएगी, और जब जब भी देंगे तब तब भी सेम ही आउटपुट हमें मिलती रहेगी, अनलेस के हम कोई और टाइप ऑफ सर्किट्स करें जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो इससे वैरायटी ऑफ डिफरेंट चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे एनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स, एडर्स, सबट्रैक्टर्स। तो आज हमने एडर बनाना है, हाफ एडर और फुल एडर। ठीक हो गया। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट हैज मल्टीपल इनपुट्स एज वेल एज इट हैज मल्टीपल आउटपुट्स। कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर इनपुट वेरिएबल्स भी मल्टीपल होते हैं, आउटपुट भी मल्टीपल होती हैं। अच्छा, डिजाइन प्रोसीजर, डिजाइन प्रोसीजर से मुराद यह है कि हमने जब अब किसी प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को हमने यूज करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे आपके पेपर में भी, मिड में भी एक एग्जाम्पल आई हुई थी, एक क्वेश्चन आया हुआ था जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें ट्रेन सिस्टम के हवाले से था। दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट, क्योंकि उसमें भी हमारे पास चार आउटपुट के फंक्शन बन रहे थे। तो जब मल्टीपल आउटपुट के फंक्शन बन रहे हो तो कॉम्बिनेशन सर्किट, दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन सर्किट। ओके, सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स थे वो ही स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिस तरह से आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ये वही स्टेप्स हैं। यानी सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेट होती है, प्रॉब्लम स्टेट हुई हुई थी, फिर हमने क्या करना होता है कि नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स निकालने होते हैं और आउटपुट वेरिएबल डिटरमिन करने होते हैं कि हमारे इनपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं, फिर हमने ये डिटरमिन करना होता है हमारे आउटपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो इनपुट वेरिएबल डिटरमिन कर लिए, आउटपुट वेरिएबल डिटरमिन कर लिए, फिर अगला काम क्या है, हमने उनको लेटर सिंबल असाइन कर दिए, हमने उनको इनपुट को अलहदा सिंबल, आउटपुट्स को अलहदा सिंबल असाइन कर दिए, जैसे डब्ल्यू एक्स वाई और एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, मतलब हमने उनको लेटर सिंबल्स असाइन कर दिए। फिर क्या किया, फिर उनका ट्रुथ टेबल बताया,
बनाया। ट्रू टेबल क्या बता रहा था, उनका रिलेशनशिप बता रहा था, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जब वन वन होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से हमने पूरा ट्रुथ टेबल डिफाइन कर लिया, इनपुट से आउटपुट किस तरह ड्राइव हो रही है उस प्रॉब्लम से वो बना लिया। फिर हमने फंक्शन को बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज कर लिया और मिनिमाइज्ड वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। माइक प्लीज क्लोज कर लें अपने, किसका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद। अच्छा, तो सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट, हर आउटपुट के लिए हमने उसका फंक्शन एक्सट्रैक्ट किया बुलियन फंक्शन और फिर उसको मिनिमाइज भी कर लिया और देन उसकी लॉजिक डायग्राम बनाई। तो यही डिजाइन प्रोसीजर हम पिछली क्लासेस में डिस्कस करते चले आ रहे हैं और इसी तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो आज हमने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है वो है हाफ एडर की। हाफ एडर होता क्या है? एडर ही होता है। इसको हाफ एडर क्यों बोलते हैं ये हम लेक्चर के एंड तक हमें समझ आ जाएगी, इसको हाफ एडर क्यों कहते हैं। बट सिंपल फॉर्म में या सिंपल टर्म्स में हम आज कुछ एडर बनाने लगे हैं, हम वो बनाने लगे हैं जो ऐसा कोई सर्किट बनाने लगे हैं जो दो वैल्यूज को, दो बिट्स को ऐड कर दिया करेगा। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। हमें कहा गया है कि जी एडर बनाए 2 बिट का, 2 बिट का एडर बनाए, तो हमने 2 बिट लिख लिया एक्स और वाई, इसके सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए 0 0 0 1 1 0 1 1, हो गया। देन अब हम जानते हैं कि जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो एडिशन कैसे होती है। लेट्स डू सम एडिशन, साइड पे कर लेते हैं। लेट सपोज हम 0 और 1 को ऐड करना चाहते हैं, हम 0 और 1 को ऐड करना चाहते हैं। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो कुछ सम आएगा, यानी इनको जमा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम सम कहते हैं। और सम टाइम्स वो सम जो है वो जाहिर है 1 बिट का होता है, तो हमारे पास जवाब 2 बिट में आ रहा होता है। जैसे 1 और 1 होते हैं तो वैल्यू 2 होती है, 2 को हम 0 1 बोलते हैं, तो सम यहाँ पे हम 0 लिखते हैं और कुछ कैरी भी जाता, ठीक है। तो यानी तीन तरह की चीजें हो गई, एक सॉरी चार तरह की, एक एक्स, एक ऑपरेंड एक्स, एक ऑपरेंड वाई और एक कुछ सम जो इन दोनों को ऐड करने से आएगा और कुछ कैरी भी आ सकता है, ठीक है। तो चार चीजें हो गई, चले इनको ऐड करते हैं। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो सम आएगा 1 और कैरी होगा 0, कुछ नहीं होगा बट 0 तो होगा ना, सही। तो इसी तरह अगर हम 1 और 1 को ऐड करें तो सम आएगा, तो सम आएगा, सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 1। सो दिस विल बी द कैरी एंड दिस विल बी द सम, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी सबको? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है किसी को, रिपीट करने की जरूरत तो मुझे बता दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके हंसला अनम्यूट करो, बताओ कोई इशू। नो सर, क्लियर है। आगे चलते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए, यानी जो हमने अभी डिस्कस किया, ये ट्रू टेबल कैसे कंप्लीट हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि ये ट्रू टेबल कैसे कंप्लीट हुआ है इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। सो देखते हैं, 0 और 0 को ऐड करें तो सम क्या आता है, 0, कैरी भी 0। 0 और 1 को ऐड करें तो सम क्या आता है, 1, कैरी 0। 1 और 0 को ऐड करें तो सम क्या आता है, 1, कैरी 0। 1 और 1 को ऐड करें तो सम क्या आता है, 0 और कैरी 1। 1 और 1 को ऐड किया, ये हमने किया भी हुआ है, 1 और 1 को ऐड किया तो सम आया 0 और कैरी हुआ 1, तो सम वाली जगह पे 0 लिख दिया और कैरी वाली जगह पे 1 लिख दिया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रू टेबल कंप्लीट हो जाता है। ट्रू टेबल जब कंप्लीट हो जाता है तो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना।
तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन हम रेड से लिखते हैं। अब जहां जहां पर भी एस वाले कॉलम में देखें, जहां जहां पे भी फंक्शन की वैल्यू वन है, वहां पर टर्म लिखी जाएगी। और वो टर्म कैसे लिखी जाएगी, आप मेरे से ज्यादा बेहतर आपको अंदाजा होगा, हमने डिस्कस कई बार कर चुके हैं ये, कि इस वन के अगेंस्ट देखेंगे कि इनपुट पे एक्स क्या है और वाई क्या है। एक्स है 0, वाई है 1, तो एस विल बी इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस, अगली टर्म देखें, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हम कैरी की एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो कैरी की एक्सप्रेशन हमारे पास बड़ी सिंपल है, आसान सी है। दैट विल बी सिंपली एक्स एंड वाई, राइट? तो एक्सप्रेशन जो है हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। पहले हम ट्रू टेबल बनाएंगे, फिर ट्रू टेबल बनाने के बाद अब हमने एक्सप्रेशंस एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करने तक किसी को कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप आ गया मिनिमाइजेशन का। तो कैरी एक्स वाई को तो हम क्या मिनिमाइज करें, ये तो मिनिमाइज नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसको के मैप से मिनिमाइज करने की कोशिश कर लें, या कोई बुलियन जबरा का पोस्टलेट अप्लाई कर लें, तो ये भी मिनिमाइज नहीं होता, बिकॉज ये यहाँ और यहाँ पे वन आता है इसमें, और ये इनको हम आपस में मिनिमाइज नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में मैप ही नहीं हो रहे, तो ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड ही कंसिडर होगा। हम कहेंगे ये ऑलरेडी मिनिमाइज किया है। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और सी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसकी लॉजिक डायग्राम बना। तो लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास बनी हुई है लॉजिक डायग्राम। ये सारी लॉजिक डायग्राम इन्हीं की हैं। ये देखें, जैसे एक्स, लेट मी चेंज माई पॉइंटर। तो दिस इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और ये दोनों एंड हो रहे हैं, फिर और हो रहे हैं, फिर ये सम बन गया। इसी तरह एक्स वाई का सम बन गया। ये पीओएस में इसने ले लिया है एक्स प्लस वाई, तो पीओएस के हिसाब से लिख दिया। इसी तरीके से इसको भी रीयूजेबिलिटी इस्तेमाल कर ली। तो एंड सेकेंडली, अगर आप ये लास्ट एग्जाम्पल देखें हाफ एड, इसमें अगर आप गौर करें तो एस इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एंड एक्स वाई। तो इन सब में जब हम गौर करते हैं, देखते हैं, तो नंबर ऑफ गेट्स किस में कम है, ई में कम है, और सिर्फ दो हैं। तो ऑब्वियसली वी विल से कि दिस विल बी, हमारी ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि गेट्स कम से कम इस्तेमाल किए जाए। सो वी कैन से कि ये हाफ एडर के लिए ये सबसे फिजिबल डायग्राम इसलिए है बिकॉज इट हैज लेस नंबर ऑफ गेट्स। ओके, सो एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्स वाई, काम ये सारी एक ही कर रही हैं, एक जैसा ही काम कर रही हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट दिस वन इज मोर फिजिबल एज फार एज कॉस इज कंसर्न। ओके, सो एक्स एंड वाई एक्सक्लूसिव और कर दिया तो यस बन जाएगा, एक्स और वाई को एंड कर दिया तो वो कैरी बन जाएगा। सो दिस वाज हाफ एडर। पर्टिकुलरली हम इस डायग्राम को, जो ये सबसे एंड में बनी हुई है, दिस वन, इसको हाफ एडर बोलते हैं, दिस डायग्राम। ठीक है, तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask.
हाँ भी तलाल, कोई क्वेश्चन नो सर। क्लियर है? अच्छा यस सर, आगे चले। यस सर। ओके अब हम करते हैं फुल हेडर, फुल हेडर स्टार्ट करते हैं। स्लाइड। ओके सो दिस इज फुल एडर। दो बिट के एडर को हम हाफ एडर बोलते हैं और थ्री बिट के एडर को हम फुल एडर बोलते हैं। आपने अगर गौर किया हो तो हमने एक बात की थी, हमने कहा था जीरो को और वन को ऐड करें तो हमारे पास कुछ सम आता है जो कि वन होगा और कुछ कैरी आता है जो कि नेक्स्ट के लिए होगा। तो नेक्स्ट भी तो दो बिट का ही होगा ना, लेट्स सपोज वो ये दो बिट है होते हैं, तो ये इसके लिए तो हमें काउंटर, या सॉरी काउंटर कह रहा हूँ, इसके लिए तो हमें एडर थ्री बिट का रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब इसको कितने बिट का एडर रिक्वायर्ड है? अब इसको थ्री बिट का एडर रिक्वायर्ड। सो दो बिट जब तक रहेंगे तब तक तो ठीक है कि हमें हाफ एडर रिक्वायर्ड है, जैसे ही थ्री बिट्स होंगे तो फिर हमें तो रिक्वायर्ड होगा फुल एडर, या हाफ एडर तो काम नहीं करेगा, तो हमें थ्री बिट का एडर बनाना है। तो लेट्स मेक एन एडर ऑफ अ थ्री बिट। तो यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी, तीनों को ऐड करते हैं उसी तरीके से, तो हमारे पास सम और कैरी जनरेट होते हैं सेम उसी तरीके से। तो जब हम ऐड करेंगे जीरो 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 को तो सम जीरो आएगा, कैरी जीरो आएगा। जब हम ऐड करेंगे जीरो जीरो वन को तो हमारे पास सम वन आएगा, कैरी जीरो आएगा। जीरो वन जीरो को ऐड करेंगे तो सम वन आएगा, कैरी जीरो आएगा। जीरो वन वन को ऐड करेंगे तो सम जीरो आएगा, कैरी वन आएगा। वन जीरो जीरो को ऐड करेंगे तो सम वन आएगा, कैरी जीरो आएगा। वन जीरो वन को ऐड करेंगे तो सम विल बी जीरो एंड कैरी विल बी वन। वन वन जीरो को ऐड करेंगे तो सम विल बी जीरो, कैरी विल बी वन। वन 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 को ऐड करेंगे तो सम विल बी वन एंड कैरी विल बी वन। सो इस तरीके से ये ट्रू टेबल कंप्लीट हुआ हुआ है, ये ट्रू टेबल आपके सामने बना हुआ है। ठीक सॉरी। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब जब हमारे पास ट्रू टेबल बन जाता है तो फिर हमने इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन लिखनी होती है, फिर हमने बुलियन फंक्शन लिखना होता है। तो बुलियन फंक्शन लिख लेते हैं। बुलियन फंक्शन क्या होगा इसका? एस विल बी इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी। यहाँ पे होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ होगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ होगा एक्स वाई जी। सी के केस में एक्स वाई जी, एक्स वाई जी कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जी और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी। ठीक हो गया, ये एक्सप्रेशंस हमारे पास इनकी बनेंगी। इनको हम फिर के मैप से सॉल्व कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जी। तो ये ऑलरेडी के मैप के साथ अंदर जब वंस लगाए तो ये मैप आपस में नहीं होते, कोई भी मैप नहीं होता। तो ये एज इट इज हमने वही जो हमारा एक्सप्रेशन निकली थी वही हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन भी रहेगी। वेर एज इन केस ऑफ अ कैरी ये मिनिमाइज हो जाती है, और मिनिमाइज होने के बाद सी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी बनता है। के मैप का आपको आइडिया है और ये मिनिमाइजेशन भी आपको करनी आती है। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसकी लॉजिक डायग्राम्स बनाएं।
तो ये रही इनकी लॉजिक डायग्राम, जिसके अंदर s इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट प्लस x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस x y z, और c है हमारे पास x y प्लस x z प्लस y z. तो ये हमारे पास इसकी दोनों की लॉजिक डायग्राम्स बन गई, s की भी और कैरी के लिए भी. ठीक हो गया. अच्छा, अब कहते हैं कि अगर आप और करें तो s इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जी वाई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जी, तो होता है x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z. दिस इज कॉल्ड x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z. तो ये एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z. ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये s इज इक्वल टू z एक्सक्लूसिव और x एक्सक्लूसिव और y. ये तो एक ही बात है कि x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z. ठीक हो गया. अब इसको उसने उसी तरीके से x एक्सक्लूसिव और y, तो जो इसकी आउटपुट बनी उसको z के साथ फिर से एक्सक्लूसिव और कर लिया है, और ये हमारे पास s आ जाता है. तो s will be equal to x exclusive or y exclusive or z. लेकिन इसने कैरी के साथ यहां पे क्या किया है? कैरी की एक्सप्रेशन तो इसने टोटली चेंज कर दी है, और उसको कर दिया है एक्स वाई, और यहां से उसने x exclusive और y ले लिया है, और यहां से उसने z ले लिया है, और यहां पे इनको और कर दिया. तो इसका मतलब है कि कैरी के एक्सप्रेशन के साथ भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हम ये एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने इसकी ये वाली वैल्यू, कैरी का ये सर्किट उसने कैसे बनाया है, ये फिगर आउट करके आना है, हम डिस्कस करेंगे. एंड आई विल शो कि ये कैसे होता है, हम कुछ क्लैरिफिकेशन इसकी निकाल लेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है. तो यू शुड ऑल्सो ट्राई. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे. तो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम हाफ एडर एंड फुल एडर यू मे आस्क. सर पता कैसे